अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और बहुत मज़े में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरे DIY मेकअप रिमूविंग कॉटन पैड्स का बनाने का तरीका। ये कॉटन पैड्स मैंने घर में किस तरह से बनाए हैं, इसको बनाने का तरीका क्या है और इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किए हैं, वो सब मैं आपको बताने जा रही हूँ आज। और ऐसे तो बाज़ार में बहुत सारे मेकअप रिमूविंग स्प्रेज, लिक्विड्स और जेल्स भी आजकल अवेलेबल हैं, कॉटन पैड्स अवेलेबल हैं, जस्ट वाइप्स अवेलेबल हैं, मगर वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मैंने अभी ली थी मेकअप रिमूविंग वाइप्स, अराउंड 250 का पैक था और जस्ट उसके अंदर 20 वाइप्स थी, तो ऐसे ही फटाफट ख़त्म हो जाती हैं, वो पता नहीं चलता। दैट्स व्हाई मैंने खुद से अपनी कॉटन पैड्स बनाना स्टार्ट किए। ये कॉटन बॉल हैं जो इजीली मिल जाते हैं मार्केट में, मैंने इनको एज अ मेकअप रिमूविंग कॉटन बॉल्स यूज़ किया है। इन बॉल्स के साथ मैंने कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं और सारे जितने भी इंग्रेडिएंट मैंने यूज़ किए हैं वो सारे हमारी स्किन के लिए यूज़फुल हैं और किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट, कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं देंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। जाके देखते हैं DIY कॉटन पैड्स बनाने की रेसिपी। और ये DIY कॉटन पैड्स हैं जो हमारे मेकअप को इजीली रिमूव करते हैं और हमारी स्किन को बिल्कुल बेबी बेबी सा लुक देते हैं। देखिए मेरी स्किन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो मेकअप रिमूविंग कॉटन पैड्स बनाने के लिए जो जो चीज़ें इस वक्त मुझे यहाँ पर रिक्वायर्ड हैं वो हैं कॉटन पैड। इस तरह से पैक बना हुआ मिलता है, मैंने ये कॉटन पैड्स ले लिए हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, क्योंकि जो चीज़ मैं बना रही हूँ वो खूबसूरत भी तो दिखनी चाहिए ना। यही तो मेरी डिमांड होती है कि भाई जो चीज़ मैं बनाऊँ वो यूज़फुल तो हो ही, साथ ही दिखने में इतनी ब्यूटीफुल हो कि इंसान का ख़ुद से ही यूज़ करने का दिल चाहे। तो जनाब मैंने ले लिए हैं कॉटन पैड्स। कॉटन पैड्स के बाद जो सेकेंड चीज़ मुझे रिक्वायर है वो है एलोवेरा जेल। नेक्स्ट इज़ रोज़ वाटर, एक्चुअली इसका स्टिकर अनफॉर्चुनेटली उतर चुका है, एंड जॉनसन्स का बेबी शैम्पू। एक खाली कंटेनर ले लेंगे जिसके अंदर हम ये तमाम कॉटन पैड्स बनने के बाद सेव करने वाले हैं, एंड इसका कैप। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। लेते हैं एक खाली ग्लास बाउल, एम्प्टी ग्लास बाउल हमने लिया है। अब इस ग्लास बाउल के अंदर हम 15 to 20 रोज़ वाटर के स्पून्स ऐड कर देंगे। यहाँ मैंने ले लिया है 20 टीस्पून्स रोज़ वाटर। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे एलोवेरा जेल के 2 टेबल स्पून्स। 2 टेबल स्पून्स ऑफ एलोवेरा जेल मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए एलोवेरा जेल को अच्छी तरह से रोज़ वाटर के अंदर हम मिक्स कर लेंगे। देन इसके अंदर हम ऐड करेंगे जॉनसन्स के बेबी शैम्पू के 2 टीस्पून्स। ये हमारे इस कॉटन पैड्स को फोमी सा इफ़ेक्ट देते हैं और बहुत इजीली जो है वो मेकअप को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। इसका कोई भी इंग्रेडिएंट हार्मफुल नहीं है, कोई भी इंग्रेडिएंट ऐसा नहीं है। हम जॉनसन्स का बेबी शैम्पू मैंने इसीलिए यूज़ किया है क्योंकि ये न्यू बॉर्न बेबीज़ की स्किन को लेकर बना हुआ होता है, तो इसके अंदर किसी भी किस्म का ऐसा एलिमेंट नहीं होता जो हमारी स्किन को नुकसान दे। जनाब ये सॉल्यूशन हमारा रेडी है। अब हम लेंगे एक एम्प्टी ग्लास जार। अब इस ग्लास जार के अंदर मैं सबसे पहले ऐड करूँगी येलो वाले कॉटन बॉल्स, देन मैं लूँगी ऑरेंज कॉटन बॉल्स, ठीक है। इसको अच्छे से मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। अब ये 2 गले के कॉटन बॉल्स डालने के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ा सा लिक्विड डालूँगी और इसको मैं अच्छे से इसके अंदर सोक कर दूँगी। देन मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं ब्लू एंड पिंक कॉटन बॉल्स
और ये बचा हुआ जो सारा लिक्विड है वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी। इसको डालकर मैं इसको इस तरह से प्रेस कर दूंगी और इसे अच्छे से सोक होने के लिए रख दूंगी। यू कैन सी कि मेरी कॉटन रिमूविंग पैड्स रेडी हैं। ये देखिए मैंने इसको इस तरह से यहाँ पर अरेंज किया है कि ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है देखने में। अब इसका मैं आपको इसकी एप्लीकेशन बताती हूँ। यहाँ पर मैंने अप्लाई किए हैं अपने हाथ पर हुदा ब्यूटी के लिप ग्लॉसेस जो कि हैं लॉन्ग लास्टिंग, 24 आवर्स की लास्टिंग है और ये है वाटर प्रूफ। अब इसके बाद मैं आपको इन कॉटन पैड्स की एप्लीकेशन बताती हूँ। अब मैंने एक कॉटन पैड लिया, इसको अच्छी तरह से स्क्यूज़ कर लिया, देन ये देखिए ये वाटर प्रूफ लिप ग्लॉसेस जो मैंने यहाँ पर अप्लाई किए थे वो इजीली मैंने यहाँ पर अपने ही बनाए हुए कॉटन पैड से रिमूव कर दिए। ज़बरदस्त हो गया। तो देखिए ये मेरे DIY मेकअप रिमूविंग कॉटन पैड्स यहाँ पर रेडी हैं। इसकी एप्लीकेशन भी मैंने आपको दिखा दी है और उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी इजी सा जो मेरा मेथड है ये आप लोग मस्टली ट्राई करेंगे और इसको ट्राई कीजिए लाजमी और रिव्यूज़ मुझसे शेयर कीजिए। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।